इन माई कॉलेज लाइक नोबडी वॉज अवेयर. इवन मैं अपना केस बताता हूँ, मुझे थर्ड ईयर तक ये लगता था कि ये जो हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं, दीज आर फॉर हैकर्स. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि यार बहुत डिमोटिवेशन हो गई, कभी लग रहा है कि यार ये मेरे लिए बना ही नहीं? कल भी मेरे को आई थी. बहुत लोगों को DSA से डर लगता है, आपको पता है ये वाली चीज़ है ना. इज इट पॉसिबल टू गेट अ जॉब विदाउट डूइंग DSA एट ऑल? बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतनी सारी लैंग्वेज सीख लूंगा ना, मेरे को कहीं भी जॉब मिल जाएगी. देन नेक्स्ट DSA आया. DSA मैंने सुना था बहुत कि जो भी कंपनीज होती है वो पूछती है DSA. अब ये नहीं पता था कि उसको प्रैक्टिस करना होता है किसी प्लेटफॉर्म्स में. मैंने इम्प्लीमेंट करना सीख लिया अच्छे से. एंड आई वाज लाइक आई नो DSA, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. बिकॉज कंपनियों को बहुत ईजी लगता है कि BCA के स्टूडेंट है, दे आर लाइक डेस्परेट फॉर जॉब, दे ऑफर लाइक 2.5 to 3 lakhs, गिव देम अ जॉब एंड दे आर हैप्पी कि दे आर इन अ टेक कंपनी. वहाँ मुझे हिट लगा. वो एक लो पॉइंट कहूँगा मैं करियर का, जब मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा डिप्रेसिंग फील हुआ था कि नहीं यार अब करियर गलत डायरेक्शन में जा रहा है. अब इंटरव्यू आया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो थोड़ी डिस्कशन होगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड देन स्टार्ट होगा. इंटरव्यू जस्ट केम, ही पेस्टेड द क्वेश्चंस एंड ही स्टार्ट. Hi everyone, welcome to a new episode. So today we have Vaibhav with us, जिन्होंने BCA किया हुआ है and currently working at Amazon as a software engineer. और वैभव ने MCA नहीं किया हुआ है. So काफ़ी interesting podcast होने वाली है. Start करते हैं वैभव एक छोटे से introduction से. Okay. First of all, thanks for us for having me. My name is Vaibhav and I'm from Jaipur. I've done BCA and completed the graduation in 2020. After that, I worked for 1 year in a service-based company and then applied off-campus to Amazon. And from last 1 year, I'm working at Amazon. All right. And वो services company कौन सी थी? वो InfoStretch. InfoStretch. Yes. Okay, great. So यार सबसे पहला question मेरा यही है कि why BCA? BCA क्यों choose किया? Okay, it's a good question. So BCA का primary reason ये था कि मैं commerce से हूँ. Commerce background से हैं. Plus में commerce करी हुई है. अच्छा. So commerce के बाद अगर आपको tech में आना है, it's the only option. That's why. उसके अलावा मेरे को coding में बहुत ज़्यादा interest था. So I'm that kind of person जो वही wait करता है school time में कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट जब भी आएगा उसके लैब में जाके कोडिंग करें. तो क्या करते थे मतलब वहाँ पर? तो गेम्स वगैरह ही खेलते हैं स्कूल में, कोडिंग वोडिंग ऐसा सच तो मतलब नहीं. मैं जैसे वर्ड भी वो सिखा रहे तो मुझे मज़े आते थे. एम एस वर्ड कर रहे हैं, पावर पॉइंट, जो भी, बस कंप्यूटर होना चाहिए मेरे सामने और अच्छा. मुझे मज़े आते थे ऐसा. ठीक है. अच्छा ये बताओ कि BCA कौन कौन कर सकता है? एनीवन कैन डू BCA. लाइक इवन इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, यू आर फ्रॉम साइंस, आर्ट्स, लाइक एनीवन कैन डू BCA. बस 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. अच्छा. हाँ, बेटर ये रहेगा कि अगर आपके एटलीस्ट 60% है 12th में तो आपको थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी. लेकिन BCA कोई भी कर सकता है. इवन इफ यू डोंट हैव 60%, स्टिल यू कैन डू BCA एंड रीच इन गुड कंपनीज. ऑलराइट. BTech में ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, राइट? दिस रिस्ट्रिक्शन इज नॉट देयर इन BCA. तो BCA बढ़िया कोर्स है हिसाब से. मेरा फेवरेट कोर्स है. आपका फेवरेट कोर्स? मैंने खुद ही किया. BTech से बढ़िया है? जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए तो बेस्ट है, बट साइंस वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा BTech ही करो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है. ओके ठीक है. अच्छा BCA करने के बाद व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? सो अगर किसी ने BCA किया है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लाइक ही कैन डू जॉब, ही कैन गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ही कैन डू MCA. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर. गॉट इट. मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ना MCA परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर BCA. मतलब बाय डिफॉल्ट लोगों का ये होता है कि चलो BCA करेंगे उसके बाद MCA करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो MCA है दैट इज इक्विवेलेंट टू BTech. बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि MCA करना चाहिए किन लोगों के लिए? MCA इज अ गुड ऑप्शन. ओके, सो इफ यू आर समवन जिसने BTech BCA के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करी है, लाइक आपने मज़े करने में अपना टाइम निकाल दिया, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो अब MCA करे, 2 साल मेहनत करे, सीरियस हो जाओ लाइफ में. इफ़ यू आर समवन जिसको रिसर्च में जाना है, जिसे लाइक डेप्थ में नॉलेज चाहिए, उसके लिए MCA बहुत अच्छा ऑप्शन है. बट अगर आप सिर्फ प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो जस्ट आफ्टर BCA भी आप जॉब ले सकते हो. जॉब के ऑप्शंस भी हैं. और कहीं ना कहीं एक ये भी होता है कि BCA क्योंकि BTech के इक्विवेलेंट हो गया तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के भी ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके लिए, राइट? ठीक है. तो कलेक्टिवली देर आर सम बेनिफिट्स, बट देन यू कैन ऑल्सो डू जॉब आफ्टर BCA विदाउट डूइंग MCA, राइट? दैट्स व्हाट यू हैव डन. तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास जॉब्स के. आप अपने एग्जांपल से बता दीजिए आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई. ओके, सो जब मैंने BCA कंप्लीट किया था, फर्स्ट तो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो कंपनीज आती है आपके पास एंड दे टेक योर इंटरव्यू एंड दे डायरेक्टली गिव यू जॉब ऑन द कैंपस. करेक्ट. सेकंड वन, आप ऑफ कैंपस जाके अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर फ्रेशर्स, बट इट इज़ एन ऑप्शन एंड लॉट ऑफ पीपल गेट गुड जॉब्स थ्रू दैट.
अदर ऑप्शन इज लाइक यू कैन गो फॉर एमसीए. एमसीए ठीक है. आपने तो एमसीए किया नहीं, राइट? एमसीए नहीं किया था. ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, व्हाट एवर अपॉर्चुनिटीज यू गॉट राइट आफ्टर बीसीए. ओके, सो जब मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ था थर्ड ईयर के अंदर, एक कंपनी आई थी इन्फोस्ट्रेच जो इवेंचुअली मैंने ज्वाइन करी. सो दे जस्ट इन द इंटरव्यूज दे जस्ट आस्क बेसिक जावा क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन दैट आई गॉट द ऑफर. डीएसए नहीं पूछा इन्होंने? नहीं, दे हैव नॉट आस्क्ड डीएसए. बहुत सारी कंपनीज जो भी टीयर थ्री कॉलेज में आती है या फिर जो भी छोटी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, दे डोंट आस्क डीएसए दैट मच. तो अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है, अगर आपको लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यू कैन गेट दैट जॉब. ओके, सो यू क्रैक दिस जॉब ऑन द बेसिस ऑफ योर जावा नॉलेज. बेस्ड ऑन दैट एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, बट आई कुडंट गेट इट बिकॉज ऑफ माई 12%. सो आई हैड लाइक 57% इन 12th. अच्छा. अब कंपनी जो आई थी उसका नाम है SAP Labs. दे वर ऑफरिंग 8 lakhs एंड दे वर सेइंग कि आपको हम MCA प्लस MTech कराएंगे बिट्स पिलानी से. अच्छा. विच इज़ अ गुड थिंग इन योर करियर कि आप इतने रेप्यूटेड कॉलेज से MCA MTech कर सकते हो. बट मेरा उसका टेस्ट क्लियर हो गया था. दे आस्क्ड टू क्वेश्चंस एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट बोथ ऑफ देम. ओके, सो मेरी क्लास से दो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका इंटरव्यू देने के लिए. बट देन व्हेन आई टोल्ड देम कि आई हैड लेस परसेंटेज इन 12th, दे सेड यू कैन नॉट गो फॉर द इंटरव्यू, यू आर नॉट एलिजिबल. सो द अदर पर्सन दे गेव द इंटरव्यू एंड शी गॉट द जॉब. अरे वाह. सो उस टाइम पे एक हिट लगा था कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज जब आप किसी टीयर थ्री कॉलेज में होते हो और आपको 8 lakhs का वो नंबर दिखता है, देन यू फील अ लिटिल बैड कि यार ये तो मिल जाती है तो काफ़ी करियर में ग्रोथ. 3% रह गए. 3% से. ठीक है यार, वो एक चीज़ थी. बट देन आई डेंट लूज होप एंड टुक दैट ऑफर फ्रॉम द अदर कंपनी. एंड उसका कितना CTC था? वो था 3.25. 3.info स्ट्रेच की आप बात कर रहे हैं? 3.25 एंड दे वर ऑफरिंग मी सम एंड्रॉइड डेवलपर रोल व्हिच आई डिडंट गेट. बट ओके ओके, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से. सो यार वही है, देखो अगर आप 12th क्लास में हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, 60% ले आओ. बिकॉज एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो TCS इन्फोसिस में भी जाते हैं, सो देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ 60% बेयर मिनिमम, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट एटलीस्ट 60%. सो यू स्टार्टेड वर्किंग एट इन्फो स्ट्रेच, राइट? उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ना आई वुड लाइक टू आस्क यू योर BCA एक्सपीरियंस कि कैसा माहौल था BCA में व्हेन यू एंटर्ड, क्या क्या किया? सो यूजुअली जो भी टीयर थ्री कॉलेज से BCA कर रहे हैं या इवन BTech भी कर रहे हैं, मैंने कॉमन एक सिमिलर पैटर्न नोटिस किया है कि भाई लोगों को कोडिंग के बारे में पता नहीं होता कि कोडिंग में क्या करना है. करेक्ट. क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, क्या फ्रेमवर्क्स टूल्स, कुछ नहीं पता होता. दे आर जस्ट हेयर टू एंजॉय देयर कॉलेज लाइफ. बट अगर आप इतने क्रूशल टाइम ऑफ योर करियर में कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे, देन करियर में बहुत इंपैक्ट आता है. तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो भी मेरे क्लास में थे, दे वर जस्ट एंजॉइंग एंड आई वॉज डूइंग लाइक कोडिंग एट दैट टाइम. सो मेरे को पता नहीं था, इवन आई वॉज अनअवेयर. बट मुझे ये था कि एटलीस्ट मैं टेक्निकल या कोई भी कोडिंग सीख कर कुछ बना पाऊँ. मेरा गोल ये था कि मेरा बनाया हुआ ऐप अगर किसी के फ़ोन में है, दैट्स माई बिगेस्ट अचीवमेंट. ओके, सो मैंने स्टार्ट किया सी लैंग्वेज से. मुझे नहीं पता सी लैंग्वेज से क्या बनता है, बट स्टार्टिंग में करिकुलम में आई लैंग्वेज, तो मैंने स्टार्ट किया सी लैंग्वेज पढ़ना. देन नेक्स्ट DSA आया. DSA मैंने सुना था बहुत कि जो भी कंपनीज होती है वो पूछती है DSA. अब ये नहीं पता था कि उसको प्रैक्टिस करना होता है किसी प्लेटफॉर्म्स में. मैंने इम्प्लीमेंट करना सीख लिया अच्छे से एंड आई वाज लाइक आई नो DSA, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज. ये भी करिकुलम में आया होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स DSA सेकंड सेमेस्टर में आता है. तो उसके बाद थर्ड ईयर में यू गेट लाइक सेकेंड ईयर में यू गेट लाइक C++ एंड जावा. सो मैंने वो लैंग्वेजेस पढ़ी एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. सो जो मेरी रियल प्रोग्रामिंग जर्नी अगर मैं कहूँ तो वो स्टार्ट हुई थी फ्रॉम इन द थर्ड ईयर. ओके, देयर वाज अ टीचर, ही वाज अ वेरी गुड टीचर एंड ही नोटिस कि यार ये बच्चा कोडिंग काफ़ी करता है, इसको इंटरेस्ट है कोडिंग में. सो ही सेड दैट कि क्या तुम मेरे कोचिंग पे आओगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें PHP सिखाऊंगा. अच्छा. आई वाज लाइक ओके, मतलब छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली है तो जाते हैं. तो मैं वहाँ गया और कुछ बच्चे बैठे थे वहाँ पे एंड देवर लर्निंग एंड्रॉयड. आई डेंट नो दैट. अच्छा. मैं बैठ गया उनके साथ जाके एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एंड्रॉइड. मुझे नहीं पता था कि भाई ये PHP में एंड्रॉइड क्यों सिखा रहे हैं. देन दैट टीचर केम एंड ही वाज लाइक व्हाई आर यू सिटिंग हियर, मेरी क्लास तो कहीं और है. अच्छा. बट सिंस आई स्टार्टेड तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप इसी को कंटिन्यू करो. सो वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में कि जब मैं एंड्रॉइड में एंटर किया, देन वहाँ पे जो भी माहौल मिला मुझे विच वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट देन BCA. BCA में किसी को कोई आइडिया नहीं है एंड देयर आई फाउंड पीपल जो कोडिंग लाइक देयर, जिनका पैशन है कोडिंग एंड दे आर डूइंग इट इन अ वेरी गुड लेवल. अंडरस्टूड. सो वहाँ पे मुझे फिर एक और फ्रेमवर्क के बारे में पता लगा विच इज़ कॉल्ड फ्लटर. फ्लटर इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म अगर आपको एप्स बिल्ड करने हैं, अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस के लिए एप्स बिल्ड करने हैं, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. वो मैंने सीखा एंड देन उसमें मैंने बहुत सारे ऐप्स बिल्ड करे एंड अपना पोर्टफोलियो जो भी होता है ऐप्स का एक साल तक उसी पर बनाया. ऑलराइट. तो बेसिकली आपको थर्ड ईयर में इस चीज़ से आप इंट्रोड्यूस हुए, राइट? एंड दैट ऑल्सो इन योर कोचिंग.
In my coaching, yes. Okay. So actually, it's very important to find a right set of people around you. That's true. वो आपको कॉलेज में मिल सकते हैं, if your college is a good college, या फिर अगर वहाँ पर एक serious group है, tier 3 में भी nowadays people are aware and they try to form a good community, good groups, right? Was it missing in your case? आपके कॉलेज में ऐसा कोई ग्रुप वगैरह नहीं था क्या? No, in my college like nobody was aware. Even मैं अपना केस बताता हूँ, मुझे थर्ड ईयर तक ये लगता था कि ये जो हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं, दीज आर फॉर हैकर्स. अच्छा. तो दिस लेवल ऑफ लाइक मिस इन्फॉर्मेशन और यू कैन से लैक ऑफ नॉलेज इज देयर इन ईयर थ्री. एंड अब ये चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूट्यूबर्स लाइक यू एंड अवेयरनेस फैल रही है. अवेयरनेस फैल रही है एंड देयर इज लॉट ऑफ कॉन्टेंट यार. चैट जीपीटी आपके पास, बिल्कुल. यू हैव यूट्यूब, यू कैन जस्ट गो एंड स्टडी एनीथिंग यू वॉन्ट. इवन तब भी था बट इतना नहीं था जितना अब है. कोविड के बाद इट जस्ट बूम्ड. करेक्ट, बिल्कुल. अच्छा, आपने डीएसए कभी किया अपने बीसीए में? सो डीएसए आई स्टार्टेड इन माय थर्ड ईयर. ओके. तो थर्ड ईयर में मैंने लीड कोड को डिस्कवर किया कि इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड सम कंपनीज आस्क दीज क्वेश्चंस. सो मैंने इजी मीडियम क्वेश्चन लीड कोड के करना स्टार्ट किया बट बेयर मिनिमम. कभी इतना स्केल पे नहीं किया मैंने कि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा मैंने नहीं किया अपने कॉलेज टाइम में. और जब कंपनीज आ रही थी कॉलेज में, देवर लाइक आस्किंग जावा बेस्ड क्वेश्चंस, समटाइम्स आस्किंग लाइक वेब डेवलपमेंट. सो कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी मुझे. दे वर नॉट इनटू डीएसए. नॉट इनटू डीएसए एक्सेप्ट द वन विच आई टॉक्ड अबाउट एसएपी लैब्स. दे आस्क डीएसए इन देयर क्वेश्चंस एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस आई वाज एबल टू क्लियर द इंटरव्यू. गॉट इट. आपने मुझे बताया कि बीसीए के बाद ना जॉब के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट? एक बार मुझे सैलरी रेंज भी बताओ कि व्हाट आर द सैलरी रेंजेस व्हिच कंपनी ऑफर्स आफ्टर बीसीए. सो यूजुअली बीसीए के बाद 3.5 to 6 इज अ गुड नंबर यू कैन एक्सपेक्ट. इफ यू आर लाइक वेरी गुड एंड यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी यू माइट गेट 8. But don't keep your hopes that high. Like ये truth है industry का. You get 3.5 to 6. But अगर आप company में जा रहे हो और आप वहाँ अच्छा perform कर रहे हो तो within an year you can reach 5 to 7. I've seen lot of people who have joined the company which I joined and now they are earning like 8 within 1.5 to 2 years. All right. And the other option is क्या company में जा करके अच्छा काम करके अपनी तैयारी करके you can switch also. Promotions and switches. There are lot of options. Great. ठीक है. अच्छा, कौन से रोल्स ऑफर होते हैं आफ्टर बीसीए? लाइक देयर आर डिफरेंट रोल्स. डेवलपर रोल हो गया, सपोर्ट रोल हो गया, टेस्टिंग रोल हो गया. सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ओके. सो द रोल दैट यू शुड एम फॉर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल बिकॉज लाइक द ग्रोथ इन द करियर इज वेरी हाई इन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट तुम डीबीए के रोल्स ले सकते हो अगर कोई डेटाबेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है. क्लाउड्स, क्लाउड इंजीनियर्स, देयर आर ऑल्सो लाइक देयर आर सम सपोर्ट जॉब एज वेल बट यू शुड अवॉइड टेकिंग इट बिकॉज वहाँ पे करियर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती. स्विच करना इतना आसान नहीं होता बिकॉज कंपनियों को बहुत ईजी लगता है कि बीसीए के स्टूडेंट है, दे आर लाइक डेस्परेट फॉर जॉब. दे ऑफर लाइक 2.5 to 3 lakhs, गिव देम अ जॉब एंड दे आर हैप्पी कि दे आर इन अ टेक कंपनी. बट इवेंचुअली करियर में फिर दे फेस लॉट ऑफ इश्यूज वाइल स्विचिंग. दैट्स व्हाई. ऑलराइट. तो वैभव, बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल स्टफ, प्रिपरेशन एंड ऑल, एक एमसीए वालों के लिए क्वेश्चन है कि एमसीए में एडमिशन लेना है तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू गेट इनटू एमसीए? ओके, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द गुड वेज. So, ऐसा भी है क्या, गुड वेज और बैड वेज? हाँ, देयर आर ऑप्शंस एंड पीपल यूजुअली गो फॉर द बैड वेज एंड देन दे लाइक मेस अप एंड स्ट्रगल अ लॉट. ओके, चलिए बताइए. गुड वे ये है कि आप ऐसे कॉलेजेस ढूंढो जहाँ पे एग्जाम्स के बेसिस पे एंट्रेंस होता है, जहाँ पे इंटरव्यूज के बेसिस पे एंट्रेंस होता है बिकॉज देयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु आर गुड, हु नोज वॉट दे आर डूइंग. सीरियस लोग मिलेंगे वहाँ पे. आपको माहौल अच्छा मिलेगा और जितना आप माहौल से सीखते हो उतना आई डोंट थिंक कि आप किसी चीज़ से सीख पाते हो. करेक्ट. उसके अलावा द वेज दैट इज नॉट वेरी गुड इज जस्ट किसी कॉलेज में जाओ एंड यू जस्ट पे द फीस एंड गेट द एडमिशन. वहाँ फिर आपको सेम बी सी ए वाली चीज़ होगी. अगर कोई टीयर 3 बी सी ए से आ रहा है, सेम थिंग एम सी ए में. करेक्ट. तो अगर आपको फिर इवेंचुअली एम सी ए करके भी वही जॉब लेनी है जो आप आज बी सी ए करके ले सकते हो, जॉब लेने का कोई फायदा नहीं है. इसलिए ऐसे केस में आप जॉब ले लो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा. बट इफ़ यू आर रेडी टू प्रिपेयर, देयर आर सम वेरी गुड एग्जाम्स लाइक निमसेट. यू कैन गो फॉर सम कॉलेजेस लाइक बीएचयू एंड देयर आर लॉट मेनी कॉलेजेस यू कैन सर्च एंड यू विल फाइंड. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट कंपनी से, इन्फोस्ट्रेच, व्हिच इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट? सो यू सेड कि आपको एंड्रॉइड डेवलपर एज अ हायर किया यहाँ पर विद 3.5 एलपीए पैकेज. सो टेल मी द एक्सपीरियंस, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बताया कि यू विल बी गेटिंग सम एंड्रॉइड डेवलपर रोल एंड आई वाज डूइंग फ्लटर. तो आई वाज लाइक ओके. बट जब मैं गया देन दे जस्ट आस्क्ड मी टू क्रिएट अ पीओसी. आई यूज फ्लटर एंड क्रिएटेड अ पीओसी. ठीक है. बेस्ड ऑन दैट आई गॉट अ जॉब इन अ ऑटोमेशन टेस्टिंग रोल यूजिंग अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क.
तो स्टार्टिंग में तो बहुत हिट लगा कि यार आप इतना डेवलपमेंट करके आए हो, अपने कॉलेज टाइम में इतनी प्रैक्टिस करी है, नाउ यू आर डूइंग ऑटोमेशन टेस्टिंग. बिकॉज यूजुअली ऑटोमेशन टेस्टिंग में इतना लॉजिक का काम नहीं होता, यू हैव टू जस्ट यूज द फंक्शंस, यूज द फ्रेमवर्क एंड डू द थिंग्स. ठीक है, वहाँ मुझे हिट लगा. वो एक लो पॉइंट कहूँगा मैं करियर का, जब मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा डिप्रेसिंग फील हुआ था कि नहीं यार अब करियर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमेशा आपके हाथ में आपका करियर का कंट्रोल होना चाहिए. बिल्कुल, इफ समवन एल्स इज टेलिंग व्हाट टू डू, वो मेरे को सही नहीं लगता. बट ठीक है, उस टाइम पे कोई और ऑप्शन नहीं था, कोविड जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, आई वाज स्कैर्ड कि भाई जो जॉब है एटलीस्ट वो तो रहे. बिल्कुल, मैंने उसको किया. बट वन थिंग विच आई डिड वॉज कि मैं सिर्फ जितना टास्क मिला उतना नहीं करता था, आई यूज टू गो अबव एंड बियॉन्ड. जैसे कोई फ्रेमवर्क है जिसमें मुझे लगा उनका इंटरनल कुछ फ्रेमवर्क था, मुझे लगा कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, कोई बग्स मुझे मिले, आई यूज टू फिक्स दैट. अच्छा, उसे देखकर द क्लाइंट फॉर विच आई वॉज वर्किंग दे ऑफर्ड मी अ रोल. ओके, सेड दैट यू विल गेट अ 12 LPA, जस्ट ज्वाइन आर कंपनी. आई वॉज लाइक क्रेजी हैप्पी, भाई कोई स्टूडेंट है जिसको 3.5 का पैकेज भी उस टाइम पे सही लगता था, उसको मिल रहा है 12, विच इज लाइक 4x, अराउंड 4x. करेक्ट, तो उसके लिए बहुत क्रेजी मोमेंट होता है. आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी और मैंने जल्दी से बोल दिया हाँ मैं तो ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, देन दे स्टार्टेड द कन्वर्जन प्रोसेस. बीच में मुझे पता लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द पेरेंट कंपनी हैज़ अ पॉलिसी कि आप 2 साल से पहले अपने क्लाइंट को ज्वाइन नहीं कर सकते. अच्छा, मतलब 2 साल आपको उस कंपनी में काम करना ही पड़ेगा. ओके, वो एक सेटबैक था. बट बैक ऑफ द माइंड मैं ये सोच रहा था कि यार अगर ये 12 लाख ऑफर कर रहे हैं तो दैट मीन्स आई वर्थ एटलीस्ट 12 लाख. 12 लाख, अब मेरा बेस सेट हो गया कि अब मैं 12 से नीचे तो काम नहीं कर रहा, इतना तो मेरे को ऑफर हो चुका है. देन आई थॉट कि अब ऐसी कौन सी कंपनीज है जो 12 ऑफर करती है. मोस्टली जो भी कंपनीज है वो DSA पूछती है, मतलब ईजियर वे ये है कि आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो बट आपको एक्सपीरियंस चाहिए. आसान है, आप DSA करो 6 महीने बेसिक एंड यू विल गेट अ गुड जॉब. मैंने तब DSA लीड कोड करना और स्टार्ट किया दोबारा थोड़ा सीरियसली. इस बार मतलब मैंने कुछ अच्छे ऑप्टिमाइजेशन भी अपनाए. जैसे मैंने एक एक्सटेंशन डाला लीड कोड के लिए कि आई जस्ट हाइड द डिफिकल्टी लेवल. ओके, मैं रैंडम क्वेश्चन करता था, ये सोचे कि अभी ये इंटरव्यू में मेरे साथ ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूँगा. मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया. अब कभी हार्ड भी मिलता है, कभी ईजी भी. बट वंस यू डू द हार्ड क्वेश्चन योर सेल्फ, वो जो मोटिवेशन बूस्ट है, दैट इज इनसेन. कॉन्फिडेंस आ जाता है, उससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है. फिर जब आप यूट्यूब पर जाके कॉमेंट्स देखते हो और लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था, एंड यू जस्ट सॉल्व इट. करेक्ट, वो बहुत अच्छा. बट इस केस में आपको डीमोटिवेशन भी मिलता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऐसे एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, अगर आपको नहीं पता एल्गोरिदम यू विल नॉट बी एबल टू. करेक्ट, सही बात है. उसी के लिए लाइक देयर लॉट ऑफ लाइक सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. आई डिड दैट, मैंने लीड कोड किया, क्वेश्चंस करता था, प्रैक्टिस चल रहा था मेरा. इवेंचुअली मैंने फिर अप्लाई किया अमेजोन में. बिकॉज उसकी भी एक स्टोरी है कि एक मेरे कॉलेज के पास में एक स्टूडेंट था, उसका रिसेंटली अमेजोन में लगा था, ही इज़ फ्रॉम Tier 3. ओके, मुझे लगा कि मैं तो अप्लाई भी नहीं कर रहा जिस कंपनी में, मेरे को लगता भी नहीं कि BCA से कोई जा सकता है, और वहीं पे ही एक Tier 3 से उसने BTech किया था एंड ही वेंट देयर. तो मुझे ये समझ आ गया कि इन कंपनीज में जो भी आपके डिग्री है इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, दे जस्ट वैल्यू द स्किल्स, बस यू नीड टू गेट द इंटरव्यू कॉल. मैंने करना स्टार्ट किया अप्लाई. मैंने अप्लाई कर दिया अमेजोन में, मतलब सिर्फ अमेजोन में इसलिए किया कि मैंने उसका देखा था यार इसका अमेजोन में हो गया, अमेजोन हायरिंग कर रहा था, करते थे, और किसी कंपनी में अप्लाई नहीं किया. अच्छा, वैसे आपने अप्लाई कैसे किया था, रेफरल्स के थ्रू या फिर? मैंने करियर पेज के थ्रू किया था, डायरेक्ट कंपनी पोर्टल पे जाकर. कंपनी पोर्टल विच आई विल नॉट सजेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है और रेयर, रिस्की तो नहीं कहूंगा, रेयर होता है. बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट के चांसेस कम है. ठीक है, तो बेटर वे ये है कि आप रेफरल करो, विच इज़ वन ऑफ माई मिस्टेक. बट ठीक है, उस टाइम पे उसके बेसिस पे भी मेरे पास इंटर टेस्ट लिंक आया उसका. ठीक है, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. ऑसम, बढ़िया. सो बेसिकली यू गॉट अ मोटिवेशन कि भाई अब तो 12 से ऊपर कमा सकते हैं. एंड सेकंड मोटिवेशन केम व्हेन अ स्टूडेंट ऑफ अ Tier 3 कॉलेज, जो कि आपके पास का ही कॉलेज था, राइट, उसने अमेजोन क्रैक किया. और बहुत बार ना ये एक मेंटल बैरियर होता है आपका कि यार मैंने तो BCA किया हुआ है या मैंने MCA किया हुआ है या मैं Tier 3 कॉलेज से हूँ तो मेरा तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा. एंड दिस मेंटल बैरियर हैज़ टू बी रिमूव्ड, राइट, क्योंकि अप्लाई जब तक नहीं करोगे जब तक काम कैसे चलेगा, तब तक आपके पास ऑफर आएगा ही नहीं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग विच यू शेयर्ड कि भी ठीक है, हमारे सराउंडिंग से हमें ये वाली मोटिवेशन मिल जाती है टू अप्लाई. सो अब इसके थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. यू गॉट दी इंटरव्यू कॉल, राइट? सो एक बार इंटरव्यू प्रोसेस ब्रीफली हमें बताओ कि कैसा था. ठीक है, तो ओवरव्यू अगर मैं दूँ तो मेरा एक टेस्ट लिंक था, जो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके अलावा 4 और राउंड्स हुए थे. स्टार्टिंग में मेरे को कहा था कि आपके 3 राउंड्स होंगे, बट फॉर सम रीजन दे सेड दैट आपका एक और राउंड लेंगे, विच इज़ CS फंडामेंटल बेस्ड राउंड. सो टोटल मेरे 4 राउंड प्लस एन ऑनलाइन टेस्ट, ये हुआ था. सो टोटल 5 राउंड एंड मोस्टली DSA पूछा गया था, फिर और भी कोई चीज़ पूछी गई थी प्रोजेक्ट्स वगैरह? हर राउंड में सिर्फ DSA था. ऑनलाइन टेस्ट वॉज 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन DSA एंड देन सम बिहेवियर क्वेश्चंस. अब फर्स्ट राउंड का एक्सपीरियंस ये है मेरा कि
मैंने लाइफ में फर्स्ट प्रोडक्ट बेस का इंटरव्यू अमेज़न का ही दिया। हाँ। इससे पहले मैंने ऐसी कंपनीज में दिया था जो कभी डीएसए नहीं पूछती, दे जस्ट आस्क सम लैंग्वेज क्वेश्चंस व्हिच यू नो व्हिच इज वेरी इजी, जो मैं कोडिंग करता हूं उसके लिए बहुत इजी है। अब इंटरव्यू आया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो थोड़ी डिस्कशन होगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड देन स्टार्ट होगा। इंटरव्यू जस्ट केम, ही पेस्टेड द क्वेश्चंस एंड ही सेड स्टार्ट। वहां पे मेरे को लगा कि अरे यार अब थोड़ा सा आपका नर्वस हो जाते हो उस टाइम पे। बिल्कुल। तो मेरे से पहले क्वेश्चन इतना इजी था, मैंने किया भी था वो क्वेश्चन पहले, बट सम रीजन मेरे से कोडिंग लिखा जा रहा, फिर उसने मेरे को थोड़ा काम डाउन किया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ लाइक स्मॉल कॉलेज एंड यू कैन डू इट। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आया मुझे वहाँ पे, मैंने उस क्वेश्चन को किया फिर सॉल्व, आई हैव रिटन द कोड। फिर सेकंड क्वेश्चन था, वहाँ तक मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था, तो उस क्वेश्चन को मैंने सही से सॉल्व किया। देन ऐसे सेकंड राउंड में सिमिलर थिंग कि समवेयर आई वाज स्टक, देन इंटरव्यूअर हेल्प मी एंड ऐसे करके सारे राउंड्स निकले। देन थर्ड राउंड जब मेरा बार रेजर था, बार रेजर फॉर द ऑडियंस हु डोंट नो, ही इज़ अ सीनियर इंटरव्यूअर लाइक हु हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन इंटरव्यूइंग। ही कम्स, ही जज यू फ्रॉम अ थर्ड पर्सन्स पर्सपेक्टिव। ओके। वो एक ऐसा पर्सन होता है जो आपकी टीम में नहीं है, किसी और टीम में, एंड ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस इन जजिंग कि इज ही राइट फॉर द टीम। गॉट इट। सो ही केम एंड मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ वाला। मुझे कहा भी था तीन इंटरव्यू होंगे, तो आई थॉट कि कॉल आएगा। दे कॉल मी, आई वाज लाइक ठीक है अब तो बताने के लिए कॉल किया होगा, आपका हो गया। दे सेड एक राउंड और होगा। अच्छा। वो बहुत नर्वस टाइम होता है बिकॉज आप भाई एक टीयर थ्री कंपनी में, वो किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो विद 3.5 लाख पैकेज, देन अमेजोन के आपने तीन राउंड क्लियर कर लिए एंड चौथे राउंड का कॉल आ गया, अगर नहीं हुआ, ये जो एक डाउट रहता है वो बहुत स्केरी होता है। तो देर वॉज स्लीपलेस नाइट आई वुड से, एक महीने का प्रोसेस था और मैं 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता था उस टाइम। अच्छा। बट ठीक है, वो उस राउंड के लिए मैंने प्रिपेयर किया, बहुत सारा फंडामेंटल्स पढ़ा जो कि मैंने बीसीए में पढ़ रखा था, बट स्टिल मैंने रिवाइज किया सारा। एंड देन आई गेव द इंटरव्यू, इट वाज गुड एंड मैं था श्योर कि चलो आ जाएगा कॉल। गॉट इट। आई हैड टू वेट फॉर 1 वीक, देन मैं कैसे रैंडम शॉप पे बैठा था, जूस या कुछ कॉफ़ी शॉप थी, एंड देयर दे कॉल्ड एंड सेड कांग्रेचुलेशंस। आई वाज लाइक क्रेजी, बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है वैभव, तो ये तो हो गया अमेजोन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आपने अप्लाई किया तो आपने डायरेक्टली कंपनी पोर्टल पे अप्लाई किया एंड यू आर सेइंग दैट इट्स नॉट द राइट अप्रोच, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो। सो व्हाट इज द राइट अप्रोच एंड व्हाई डिड यू गो फॉर कंपनी पोर्टल दैट टाइम? लाइक आई वाज नॉट अवेयर। अच्छा। अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू लाइक बी गुड इन लाइफ, सो अपनी सर्कल को अच्छा रखो फॉर अवेयरनेस। मैंने इसलिए किया था बिकॉज अवेयर नहीं था तो मैंने अप्लाई कर दिया, बट अगर कोई पूछे बेस्ट अप्रोच क्या है, देन गो फॉर रेफरल्स, बिकॉज रेफरल से आपको एक एडवांटेज मिलता है, बिकॉज जो एचआर है उसके पास हजारों रेज्यूमे आ रहे हैं, वो शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट रेफरल्स के बेस में पहले करते हैं और फिर आपका वो रेज्यूमे देखेंगे, तो चांस यही है हाई कि आप रेफरल से जाओगे तो आपको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट। और दूसरी चीज़ ये है कि रेफरल जब आप मांगने जाते हैं, सो व्हाट शुड वी डू टू गेट अ रेफरल? एक चीज़ है जो मैं बोलूंगा कि प्लीज़ गाइज डोंट डू इट, कि इंस्टा पे मैसेज मत करो। इंस्टा पे मैसेज करते हैं लोग। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम बाई गिव रेफरल एंड देयर वी आर गोइंग फॉर डिफरेंट रीजंस, वी आर नॉट देयर फॉर कंपनी थिंग। तो ओके, फर्स्ट इंस्टा पे मत जाओ, यू गो टू लिंक्डइन, देयर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गिव देम अ गुड मैसेज कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, आई वॉन्ट टू डू दिस एंड दिस इज माई रेज्यूमे, आई नो आई कैन क्लियर द इंटरव्यू प्रोसेस बिकॉज लिस्ट डाउन द रीजंस। करेक्ट। देन गिव द जॉब आई डी, बहुत लोग होते हैं वो बिना जॉब आई डी के, इवन बिना रेज्यूमे के मैसेज कर देते हैं, देन आई हैव टू से कि भाई गिव द जॉब आई डी, गिव द रेज्यूमे, दिस इज वन बैक एंड फोर्थ, ट्राई टू अवॉइड द बैक एंड फोर्थ बिकॉज आई माइट नॉट गेट टाइम टू चेक द मैसेज और आई माइट गेट 100 different messages और 10 different messages, योर मैसेज विल गो एट द बॉटम। सो वो एक तरीका जॉब प्रॉपर, आप प्रॉपर जॉब आई डी दो एंड देन अपना रेज्यूमे दो एंड देन टेल अस द रीजन कि व्हाई डू यू वांट द रेफरल। एक रीजन बताओ कि आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू को, that right. these many questions I have solved or I have worked on these tech stack which is the job requirement, बताओगे तो you'll get the referral। and दूसरा चीज़ ये है कि referral देने में employees को भी advantage होता है, exactly, they get a referral bonus, yeah. right? Now talking about the resume, तो आपने अपने resume में कौन सी चीज़ें mention करी थी and so that it got shortlisted in Amazon? resume में भी मैंने एक mistake की थी कि मैंने random template download किया net से, I just dumped all my information into that। ओके। बट लकीली मेरे लिए वर्क क्या किया कि मैंने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन डंप की थी, लाइक देयर आर पीपल हु डंप ऑल ऑफ द इररिलेवेंट स्टफ कि आई लव प्लेइंग गेम्स, आई लव लाइक रीडिंग बुक्स, नोबडी केयर्स इन द टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, हाँ, लाइक नोबडी केयर्स इन द टेक्निकल वर्ल्ड कि आपको भाई रीडिंग में इंटरेस्ट है, दे वॉन्ट कि हाउ कैन यू प्रोवाइड वैल्यू टू द कंपनी, राइट, दैट्स द मेजर थिंग। सेकेंड कि वॉट ऑल थिंग्स यू ब्रिंग टू द टेबल, करेक्ट। सो अगर तुमने सिर्फ जावा पढ़ी है तो जावा डेवलपर्स उनको ईजिली मिल जाएंगे, वाई वुड दे पे यू सो वेल? So you have to keep learning new things, add those things in your resume
एंड ऑल्सो एड ऑल ऑफ योर रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस. ऑल राइट. एक्सपीरियंस के साथ टेल लाइक इस जैसे तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, वॉट ऑल लाइब्रेरीज यू यूज, वॉट ऑल टूल्स यू यूज, वॉट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस एंड हाउ यू रिसॉल्व दैट. ओके. एंड इन योर केस यू वर्क एज अ टेस्टर, आपने एज अ टेस्टर काम किया हुआ है, तो क्या वो चीज़ मैंशन करनी है हमें कि यार मैंने सपोर्ट रोल में काम किया या टेस्टिंग में काम किया, एडवांटेज है उसका कुछ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. जैसे अगर आप किसी टेस्टिंग रोल में जा रहे हो, हाँ, देन मेंशन टेस्टिंग एट द टॉप ऑफ दैट, बिकॉज दे वांट अ टेस्टर. बट अगर तुम किसी डेवलपर रोल में जा रहे हो एंड यू आर राइटिंग आई एम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, आई वर्क एज अ टेस्टर, व्हाई वुड दे हायर यू? बिल्कुल. सो वहाँ तुम लिखो कि यार यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बट यू ऑल्सो नो टेस्टिंग. सो वो एक तुम्हारे लिए एडवांटेज की तरफ वर्क करेगा, जो कि मैंने किया. मैं कहीं मेंशन नहीं करता था कि आई हैव एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग 1.5 इयर्स. आई वुड जस्ट से कि मुझे फ्लटर का एक्सपीरियंस है बट आई ऑल्सो डन टेस्टिंग. सो वो मेरे लिए बहुत एडवांटेज. उसको सेकेंडरी रखा एंड जो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, खुद से जिस चीज़ पे काम किया, यू कैप दैट इज प्राइमरी, राइट? एक्जैक्टली. ऑल्सो कि अगर आप टेस्टिंग में हो एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर अ डेवलपर रोल, ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज यू कैन. बिकॉज अगर तुम्हें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, नाउ दैट यू आर सेइंग कि मैंने कंपनी में तो ऑटोमेशन टेस्टिंग किया लेकिन मैं फ्लटर या कोई भी डेवलपर रोल के लिए जा रहा हूँ, वो पकड़ लेंगे कि यार जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस होता है उसे बहुत इन डेप्थ नॉलेज होती है चीज़ों की. बिल्कुल. तो अगर 1-1.5 साल तक अगर आप जा रहे हो ये चीज़ करके, विच इज़ फाइन, बिकॉज तुम खुद से इतना पढ़ सकते हो कि तुम 1 साल का एक्सपीरियंस जस्टिफाई कर दोगे अगर तुम प्रोजेक्ट अच्छे बना रहे हो. बट उसके बाद यू हैव टू हैव द एक्चुअल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. तो अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन की बात करते हैं. सो जब आपने अमेजोन के लिए प्रिपेयर किया, मेजर जो सेक्शन होता है वो DSA का होता है. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर DSA? व्हाट ऑल प्लेटफॉर्म्स डिड यू यूज? मोस्टली आई यूज LeetCode. स्टार्टिंग में मैंने HackerRank यूज़ किया था बट उस टाइम पे मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी ना एल्गोरिथम्स में इतना सही था. तो तब मेरे से वो हुए नहीं क्वेश्चंस. बट लेटर आई फाउंड आउट दैट दिस इज़ द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इन लाइक लॉट मैनी कंपनीज. सो मैंने LeetCode सीरियसली करना स्टार्ट किया. फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में DSA पढ़ा था कॉलेज के, आई डेंट स्किप एनी एल्गोरिदम. अच्छा. बिकॉज यूजली लोग क्या करते हैं कि BCA के करिकुलम में लैंग्वेज नहीं है, लाइक एल्गोरिदम नहीं है, वाई वुड आई वाई शुड आई लर्न इट. मैंने ऐसा कभी किया नहीं. मैंने सेग्रीगेट ही नहीं किया कि BCA का कोर्स है BTech का. Okay. जो भी टेक्निकल आ रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिस लैंग्वेज के, आई यूज टू लर्न एवरीथिंग. और वो भी ईगो पे लेके कि भाई मैं इसको इसलिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसको मैं इसलिए नहीं सीख रहा बिकॉज इट्स हार्ड. वो चीज़ काम आई आपके यहाँ पर कि आपने जो BCA में जो भी एल्गोरिदम सीखे, you got benefit of it when you were actually doing DSA for interviews. So agar tumhe algorithms nahi aati, don't go for this approach because you will be demotivated as hell. Okay, itna matlab itna ego pe nahi lena ki ghanton ghanton tak lage pade hain question solve karne ke liye. Better approach ye hai ki tum max aadhe se ek ghanta do kisi question mein. Agar nahi ho raha solve, like tum close bhi nahi pahunch pa rahe solution ke, just go and see the solution. Jaise tumhe pattern samajh aane lagenge. Aur mostly maine dekha hai ki it's all about like recognizing the patterns. Correct. अच्छा, मुझे ये बताओ कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इंटरव्यूज में या व्हाइल वर्किंग इन एन MNC? दिस इज लाइक आई विल गिव अ कंट्रोवर्शियल आंसर एंड सम ऑफ देम माइट नॉट एग्री विद मी. आई वुड से 50-50. लाइक इफ 50% इज DSA देन 50% इज कम्युनिकेशन. द रीजन बीइंग कम्युनिकेशन स्टार्ट व्हेन यू आर इन टू द इंटरव्यू रूम. सो तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल से ही उस इंटरव्यू को लाइक आगे बढ़ाते हो. बिल्कुल. इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर इंटरव्यू, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग योर इंटरव्यू, interviewer will drive it and he can drive like crazy in any direction. So tumhe khud ke haath mein control lena interview ka. Tumhe usko aise hook points dene hain ki jisse wo waise hi question tumse puche. Okay. Which is a good trick that everyone should use. Like you can say that I've used that framework and inside that framework I faced lot of difficulties and just stop there. He will ask what difficulties do you face. So that's how you control your interview. Yeah. And once you learn this skill, tumhare liye interview clear karna easy ho jayega. बट जब आप कंपनी में जाते हो देन यू रियलाइज़ कि भाई रियल इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की. बिकॉज कंपनी सिर्फ कोडिंग के बेसिस पर नहीं चलती. कंपनी चलती है बिजनेस, कंपनी का बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे. दे आर स्टेक होल्डर्स, दे आर कस्टमर्स, दे आर क्लाइंट्स, दे आर पार्टनर्स, दे आर लॉट ऑफ पीपल जिससे तुम्हें बात करनी है. अगर तुम अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे सामने वाले को, देन नोबडी विल पुट यू इन अ हायर स्पॉट. मतलब ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबल रोल पे तुम्हें नहीं डालना पसंद करेगा बिकॉज दे विल थिंक कि यार ये समझा पाएगा नहीं चीज़ें, हमारा बिजनेस और खराब हो जाएगा. सही बात है. दे विल ऑलवेज कीप यू इन द लोअर लेवल्स इन द बेसिक टेक रोल्स. सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो लाइक हायर इन योर करियर देन कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड दैट्स व्हाट आई लर्न्ड लेट. मतलब आई एम अ पर्सन विच इज वेरी लाइक शाय, लाइक इंट्रोवर्ट. मैं लोगों से नहीं बात करता, मैं अपने घर में रहना पसंद करता हूँ. पीपल से कि भाई तू बाहर क्यों नहीं निकलता है, एंड आई वाज लाइक भाई आई एम हैप्पी लाइक दिस. बट वंस आई गॉट इनटू द कंपनी आई रियलाइज कि नहीं यार इट्स इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमूव दैट बैरियर. सो आई स्टार्टेड लाइक गोइंग आउट, स्टार्टेड मीटिंग पीपल.
So that's how I'm trying to build. I'm still in the process. It's so hard for me to like just come here and just talk to you and so many people. But I'm happy that I'm able to share my knowledge. And बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी condition में होंगे जिस time पे मैं था. And they will get benefit. Correct. So, they will get the right guidance. Right guidance. That's why I'm here. तो वैभव ऐसा कभी हुआ है कि यार बहुत डिमोटिवेशन हो गई, कभी लग रहा है कि यार ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मैंने तो BCA किया है एंड आई एम नॉट मेड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ कंपनीज, ऐसा कभी कुछ फेज आया है? फेज आता जाता रहता है. लाइक ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके करियर में लाइफ लॉन्ग रहने वाली है. अगर ये चीज़ नहीं आ रही ना आपके करियर में, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग. ओके, एज सिंपल एज दैट. तो ये स्टार्टिंग में आती है. मेरे को स्टार्टिंग में आई थी, मैं एरे सीख रहा था. पीपल विल से एरे तो बहुत ईजी है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एरेज वॉज दैट डिफिकल्ट थिंग. करेक्ट. बट उसके बाद जब मैंने पॉइंटर सीखा तब आई, फिर जब मैंने DSA स्टार्ट किया फिर आई, फिर जब मैंने DP करी तो हर स्टेप पे आई. कल भी मेरे को आई थी. इट्स नॉट दैट कि ये चीज़ कभी चली जाएगी, यू जस्ट हैव टू लर्न टू डील विद दिस. और जब लाइक इफ़ यू आर इन अ स्ट्रेसफुल पोजिशन, लाइक इफ़ यू आर इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट जहाँ पे तुम भाई अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, दैट्स वेयर यू आर लर्निंग, यू आर ग्रोइंग, एंड दैट्स वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये फेज आएगा एंड यू हैव टू लाइक go through it. मतलब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि तुम कुछ skip कर दो. It's a process, right? It's a process. You have to deal with it. Awesome. चलो एक चटपटा सा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर. Okay. तो बहुत लोगों को DSA से डर लगता है, आपको पता है ये वाली चीज़ है ना. Is it possible to get a job without doing DSA at all? BCA. BCA किया आपने, DSA नहीं किया है. I know why it's चटपटा, but for audience, I have to explain. So, भाई, the question is wrong. There are a lot of people who message me and say that, क्या मैं DSA करूँ या डेवलपमेंट करूँ. एंड आई एम लाइक गाइज यू हैव टू डू बोथ. रीज़न बीइंग ये मुझे बहुत लेट समझ आया. स्टार्टिंग में मैं सिर्फ डेवलपमेंट कर रहा था एंड आई वाज लाइक कि DSA क्यों जरूरी है, मेरे को रियल लाइफ में काम ही नहीं आ रहा. जो भी ये लोग बोलते हैं कि रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में DSA काम नहीं आ रहा, दे हैव नॉट डन द प्रोग्रामिंग इनफ टू अंडरस्टैंड वाई DSA इज इंपॉर्टेंट. इफ आई जस्ट गिव यू अ बेसिक टास्क टू एड लाइक सम लिस्ट, इनसाइड दैट यू हैव टू एड list, and inside that list also you have to add another list, and it's based on some database, recursive kind of thing. Now try to implement that. Jo bhi ye log bolte hain ki main to DSA nahi karunga, main sirf development karta hu, they'll get stuck. Yeah, aisa nahi keh raha main ki bhai tum hazar question lead code ke kar lo. At least learn the basic algorithms. There are like 180 to 200 questions. If you solve those standard DSA problems, you are good to go. Yes. तुम्हें वो सब चीज़ें आ जाएगी विच विल हेल्प यू कि अगर तुम कभी स्टक हो जाओ अपनी जॉब में, यू नो वॉट टू फाइंड. करेक्ट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अपन स्टक हो गए, अपन को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या. एटलीस्ट इफ यू नो वॉट प्रॉब्लम इज दैट, देन यू कैन गूगल, यू हैव ChatGPT, यू कैन आस्क देम. बट क्या फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो DSA राउंड स्किप कर देती हैं, डायरेक्टली डेवलपमेंट पूछती हैं? लॉट ऑफ कंपनीज, लाइक बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो तुम्हें सिर्फ लैंग्वेज की नॉलेज के बेसिस पे ले लेगी, एंड लैंग्वेज की भी इन डेप्थ नॉलेज नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज. क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड फाइनली, लाइक व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, लाइक इतने क्वेश्चंस के बेसिस पे भी तुम्हारी जॉब लग जाएगी. बट प्रॉब्लम ये है कि लाइक पीपल आर नॉट रेडी टू स्टडी इवन दिस. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई मेरे से स्टार्ट ही नहीं किया जा रहा लैंग्वेज. भाई वो बैरियर तुम्हें क्रॉस करना ही पड़ेगा. दिस इज लाइक वन ऑफ योर लर्निंग कर्व्स दैट यू हैव टू गो थ्रू. सो लर्न, बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ लैंग्वेज पूछ रही है, बहुत कंपनीज है जो सिर्फ आपके फ्रेमवर्क की नॉलेज टेस्ट करती है, डेवलपमेंट पूछ रही है, स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की. बोलेगी तुम्हें कि तुम रिएक्ट डेवलपर की तरह काम करोगे, तुम्हें सिर्फ रिएक्ट पे काम करना है. वी डोंट केयर कि भाई तुम्हें DSA आता है कि नहीं, तुम ये बताओ कि ये पेज बना सकते हो क्या, या फिर तुम्हें Node.js पे काम करना है, तुम ये सर्विस बना सकते हो क्या. दे केयर दैट अबाउट दैट ओनली. फिर कुछ कंपनीज आती है जो कि फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस नहीं पूछती, विच आर दिस फैंग एंड द बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. नाउ व्हाई दे डोंट आस्क इट इज कि जब तुम जॉब करने जाते हो, यू वोंट फाइंड दिस लाइक पॉपुलर फ्रेमवर्क्स, यू वोंट वर्क ऑन दैट. दे आर लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिल्ड, दे आर लॉट ऑफ इंटरनल टूल्स, एंड वहाँ तुम्हें DSA इतना ज़्यादा काम में नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारी लॉजिकल स्किल्स ज़्यादा काम आएगी. बिल्कुल. सो दे एनालाइज द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन एंड दे हायर अकॉर्डिंग टू दैट. और उसके बाद दे हैव इनफ बैंडविड्थ to teach you a new technology, right? जिस पर भी आपको काम कराना है. अभी मतलब मेरे साथ Amazon में ये होता है कि लाइक कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, दे विल से दैट टेक वन डे और टू डे, लर्न दिस लैंग्वेज एंड वर्क. मतलब यहाँ पे मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी, लाइक Scala आई नेवर लर्नड, यहाँ पे आके सीखी Kotlin, लाइक टाइप स्क्रिप्ट. एटलीस्ट 3 लैंग्वेज आई लर्नड ऑन द जॉब एंड दे जस्ट गिव लाइक 1 or 2 days. दे नो कि भाई इस बंदे ने इतनी चीज़ें करी है कि ही कैन लर्न अ लैंग्वेज. तो जिसने DSA किया है, he can easily like learn a new language, but opposite it's not true. It's correct. Not true, because aapko problem skill, solving skill develop karni padti hai, usme time lagta hai, right? One more question, it's a very important question. What's the power of connections, good connections? Good connections, it's very important. Like
अगर आपके कनेक्शंस नहीं है ना तो आप उसी फेज में चले जाओगे जिसमें मैं था, जिसको सेकंड ईयर में ये नहीं पता कि भाई हैकर रैंक इज़ नॉट अ हैकिंग प्लेटफॉर्म। सो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यू लाइक गेट इंट्रोड्यूस टू सो मैनी थिंग्स। वहाँ पे एंड्रॉयड सीखने गया था, सो दैट टाइम आई लर्न कि भाई तुम एंड्रॉयड के अंदर भी देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक जावा, कॉटलिन, तुम फ्लटर कर सकते हो। अगर मैं नहीं निकलता अपने बबल से बाहर, सो मेरे को नहीं पता लगती ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। सो कनेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कनेक्शन में भी गुड कनेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू हैव बैड कनेक्शंस देन यू नो लाइक कि क्या होता है, लाइक यू कैन गो टू इन गो इन एनी डायरेक्शन। करेक्ट। सो एक फिलोसफी मेरी लाइफ में ये रहती है कि लाइक जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डोंट लेट एनी वन ड्राइव योर लाइफ बिकॉज इट्स यू हैव टू बी द ओनर ऑफ योर लाइफ। तो जस्ट मेक गुड कनेक्शन। अब कैसे गुड कनेक्शन बनेंगे, लॉट ऑफ ऑप्शंस। लाइक तुम ट्विटर पे जा सकते हो, ट्विटर पे लाइक इफ दे आर गुड पीपल यू कैन कनेक्ट विद देम, यू कैन गो टू लिंक्डइन, यू कैन गो टू गिटहब एंड कंट्रीब्यूट टू अ गुड रिपोजिटरी, वहां से तुम्हें कनेक्शन मिलेंगे। नाउअडेज इन कॉलेजेस देयर आर कॉन्फ्रेंसेस, मतलब बहुत सारे फेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं कॉमन कॉलेजेस के, राइट? तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स लाइक आई डिडंट नो अबाउट बिकॉज मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं होता था। सो इफ यू आर इन अ गुड कॉलेज इट्स गुड, अगर नहीं है देन ट्राई टू लाइक रीड मोर अबाउट। मैंने जो कि मेरी ये मिस्टेक थी कि मैंने कनेक्शन इतने नहीं बनाए, आई वॉज जस्ट ऑन माई ओन एंड शायद इस वजह से मुझे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगा। मतलब अगर मैं कनेक्शन बनाता तो शायद यही चीज़ एक साल पहले हो सकती थी। करेक्ट, ठीक है। सो वॉट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन योर जर्नी? मिस्टेक्स, ओके। नंबर वन मिस्टेक, आई कैन से दैट आई लर्न लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। लाइक यू डोंट नीड गाइज लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। मेरे से लोग पूछते हैं भाई विच इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, मैं कितनी लैंग्वेज सीखू गाइज, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। करेक्ट, ये दिस इज अ मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतनी सारी लैंग्वेज सीख लूंगा ना मेरे को कहीं भी जॉब मिल जाएगी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। क्योंकि लैंग्वेज सीखना यार, अब मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ ना, इफ यू जस्ट गिव मी वन डे एंड गिव अ लैंग्वेज आई विल बी ओके टू वर्क विद इट। या थोड़ी सी हेल्प लेगी इंटरनेट की, बट आई कैन वर्क विद दिस लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज बहुत सिमिलर सी होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सी आ, मतलब स्टार्टिंग की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके अलावा वंस यू गो बियॉन्ड लाइक जावा, इफ़ यू लर्न जावा यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज। दैट्स व्हाट आई थिंक। लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं जबकि क्वेश्चन जो तुम्हें पूछना चाहिए खुद से कि मुझे बिल्ड क्या करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड वेब एप्स लर्न जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड एंड्रॉयड एप्स गो विद कॉटलिन, गो विद डार्ट, देर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। सो डिपेंड्स कि तुम्हें क्या करना है। जस्ट डोंट लर्न अ लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इट बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने 10 लैंग्वेज सीख ली, अभी मेरे को कोई बोले सी में कोड कर ले, आई जस्ट फॉरगेट, मेरे को वापस से रिवाइज करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स बिकॉज सब लैंग्वेज के अपने अपने नुआंसेज होते हैं जो कि अपन को जब आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको याद रहेंगे, फिर आप भूल जाओगे। तो डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। फर्स्ट गोल सेट करो कि मुझे बिल्ड क्या करना है। अगर तुम्हें सिर्फ जॉब ही चाहिए, जस्ट पिक अ लैंग्वेज जहाँ जिसमें तुम डी एस ए अच्छे से कर सको एंड जस्ट डू डी एस ए। बट अगर तुम्हें डेवलपमेंट करना है, जस्ट पिक अ गुड फ्रेमवर्क, लर्न इट्स लैंग्वेज, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट बिल्डिंग स्टफ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर मिस्टेक विच वी यू कैन शेयर? एनी अदर मिस्टेक कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान नहीं दिया। लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। मैं सिर्फ अपने रूम में बैठ के कॉलेज से घर आया, कोडिंग कर रहे हैं, वापस से कॉलेज गए वहाँ पे भी कोडिंग ही कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से बातचीत करो, यू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच विल हेल्प यू इन योर करियर एज वेल। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मजे कर रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग। ऑलराइट वैभव, तो अब ना मेरे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा था बिफोर द पॉडकास्ट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड आई हैव अ लिस्ट ऑफ सम गुड क्वेश्चंस फॉर यू। सो पहला क्वेश्चन है कि हाउ अ बीएससी ग्रेजुएट ऑफ 2 years टेस्टिंग एक्सपीरियंस एंड नो कोडिंग एक्सपीरियंस कैन क्रैक एन एसडी पोजीशन इन एमएनसी। अब आपने भी टेस्टिंग की हुई है, राइट? सो टेल अस कैसे कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि दिस ही इज टॉकिंग अबाउट मैनुअल टेस्टिंग बिकॉज शी इज मैंशन दैट नो कोडिंग एक्सपीरियंस। करेक्ट। बट इस केस में द मेजर चैलेंजेस, अगर तुम किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हो, वाई वुड दे हायर यू बिकॉज यू आर अ मैनुअल टेस्टर। बेस्ट ऑप्शन इज लर्न सम फ्रेमवर्क। देर आर लॉट ऑफ टेस्टिंग फ्रेमवर्क विच इज वेरी इजी। यू जस्ट नीड टू नो बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, नॉट इवन द एडवांस कॉन्सेप्ट, जस्ट बेसिक्स, जस्ट वन फ्रेमवर्क। एंड फ्रेमवर्क में सिर्फ एक फंक्शन कॉल होती है। टेस्टिंग इज दैट इजी, ऑटोमेशन टेस्टिंग। पीपल जनरली थिंक कि इसमें बहुत लॉजिक्स लगते हैं। इफ यू नो लूप्स, if you know function calls, that's most of like it's the most you need in testing. So that's the easiest way to move to from automation testing to manual testing. So once you move to automation testing, then start learning DSA and aim for your SD role. Cool. So basically you are saying ki directly ek manual testing se SDE thoda mushkil hai because company would not want that. Yes. But you can go to automation testing and wahan se you can switch to SD. And I think you worked as a automation tester, right? Mm-hmm. Great.
सो एक चीज़ और होती है, जैसे जब आपने सीख ली चीज़ें, नाउ जस्ट टॉक टू योर मैनेजर कि लाइक आई हैव लर्न दिस थिंग, आई कैन गिव सम ऑफ माई इनपुट इन द ऑटोमेशन टेस्टिंग्स एंड स्टार्ट गिविंग द इनपुट. डोंट एक्सपेक्ट कि वो तुम्हें जॉब देंगे और फिर आप वो चीज़ें करोगे. स्टार्ट डूइंग द थिंग्स एंड देन आस्क फॉर द प्रमोशन एंड एनीथिंग यू नीड. सो दिस इज द फिलोसफी हेयर एट अमेजोन एज वेल. यूजअली कंपनी में ये होता है कि आपको प्रमोशन देते हैं और फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप वो काम करो. Here in Amazon, what the philosophy is, you start doing the job of the next level, then you'll get promoted. Correct. Same goes and for Google as well. Same should be the process for other company as well. So yeah. Just follow this in life and you'll be good. My next question puchta hun. After BCA, joined TCS. And for the last 2 years, I'm stuck in the support role, support project. What need to do next? And switch is difficult. No prior experience in technology. जैसा कि आपने बताया कि यार बीसी अगर कोई करके आया है तो उसको पकड़ा दिया सपोर्ट का रोल, सपोर्ट प्रोजेक्ट पकड़ा दिया, अब स्विच करना भी मुश्किल हो रहा है. तो बताइए क्या करें इस केस में. यार सेम थिंग हैपेंड विद वन ऑफ माय फ्रेंड. सो इन माय कॉलेज, इन माय क्लास, देयर वाज वन गाय हु वाज वेरी गुड इन कोडिंग. ही वेंट टू अ कंपनी, आई वोंट नेम इट, बट ही वाज गिवन सपोर्ट एंड फॉर 2 years ही वाज स्टक इन दैट सपोर्ट रोल, नो कोडिंग. ओके. सो ही हैज डन समथिंग, आई विल मेंशन दैट. बट आई व्हाट आई थिंक इज व्हाट यू शुड डू, जितना जल्दी हो सके अपना काम कंप्लीट करो. लाइक डोंट जस्ट हैव फन, इन्जॉय. तुम जिस पॉइंट पे हो, यू जस्ट नीड टू लर्न कोडिंग एंड लर्न टेक्निकल स्किल एज फास्ट एज पॉसिबल. सो जस्ट कंप्लीट योर वर्क, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स दैट यू वांट टू डू एंड दैट यू शुड डू. तो दैट्स द बेस्ट. मैनेजर को नहीं बताना काम करने के बाद. बहुत सारे लोग होंगे भाई काम जल्दी खत्म हो गया, दे विल टेल देयर मैनेजर कि मेरा काम हो गया. यू विल गेट मोर वर्क विच यू डोंट लाइक. सो यूजुअली क्या होता है अपने करियर में, दे आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू. वन थिंग इज, अगर तुम ग्रो कर रहे हो अपने करियर में या फिर अपने जॉब रोल में, देन यू शुड फॉलो दिस अप्रोच कि अगर तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया एंड यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, जस्ट आस्क फॉर मोर कि आई हैव कंप्लीटेड इट, गिव मी मोर. दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन देयर इन द करियर, बिकॉज कंपनी विल ट्रस्ट यू बिकॉज यू ट्राइंग टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. बिल्कुल. बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम स्टक हो, तुम कुछ नहीं सीख रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, डोंट गो फॉर एफिशिएंसी से काम करो लेकिन टाइम अपने लिए बचाओ. ठीक, उसमें प्रिपेयर करो एंड देन या आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी. देन वॉट एवर स्किल्स दैट यू लर्न, ट्राई टू मेंशन देम इन द रिज्यूमे इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द सपोर्ट रोल इन द रिज्यूमे एज अ हाईलाइट. जैसे कि आपने मेंशन किया, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द लाइक टेस्टिंग प्रोफाइल एज द हाईलाइट, यू मेंशन द प्रोजेक्ट विच यू हैव डन. इस तरीके से बाकी लोग भी कर सकते हैं. इफ यू आर इन अ टेक रोल, टेक कंपनी एंड यू वॉन्ट टू स्विच टू अ टेक रोल, देन जस्ट मेंशन द एचआर दैट यू वॉन्ट टू शिफ्ट. And they will make sure that you get a technical role, but you need to keep like pushing them, because sab log unse ye bol rahe ki hame tech mein jana hai, but you have to prove ki you can do it. Yeah. Just try to contribute as much as possible, if possible, to your company so that you have some data points. All right, great. वैभव लास्ट क्वेश्चन है ये और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. ओके भैया, आई एम इन बीसीए फर्स्ट ईयर, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू स्टार्ट न्यू थिंग्स, कोडिंग एक्सेट्रा, बट नॉट डूइंग इट, जस्ट वेस्टिंग टाइम, व्हाट शुड आई डू. यार ये क्वेश्चन जितना फनी है उतना ही ज्यादा लाइक प्रेवलेंट है. मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये कर रहे हैं ये चीज. ठीक है, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा तुम्हें जो मैंने पर्सनली की थी. नेवर वेट फॉर मंडे मॉर्निंग टू स्टार्ट, क्योंकि वो मंडे मॉर्निंग तुम्हारी कभी नहीं आएगी. नाउ व्हेन टू स्टार्ट, स्टार्ट ऑन संडे एट 9:27 PM. ओके, ये कैसा टाइम हुआ 9:20, कुछ मुहूर्त है क्या ये? यस, द रीजन बिहाइंड इट इज संडे जब होता है यू जस्ट वेट किया, चलो कल कर लूंगा. यू आर नॉट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे. सेकेंड, यूजुअली लोगों को लगता है कि सुबह से स्टार्ट करूंगा, इट्स इवनिंग, डे इज अबाउट टू एंड एंड इट्स 27, विच इज नॉट अ लाइक अ परफेक्ट आवर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट आवर. तो इस टाइम पे स्टार्ट करो, या फिर तुम ट्यूजडे को स्टार्ट कर दो रैंडमली, वेंसडे को कर दो, बट डोंट वेट फॉर मंडे. जो सबसे लाइक वियर्ड सा टाइम होगा ना कि यार इस टाइम पे कौन स्टार्ट करता है, उस टाइम पे स्टार्ट करो. बिकॉज वंस यू स्टार्ट देन इट्स वेरी इजी, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट प्रोग्रामिंग में से कोई पूछे ना क्या चीज है, स्टार्ट करना. टू स्टार्ट, बाकी सब बहुत इजी है यार. इतने रिसोर्सेज हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, यू विल लर्न एनीथिंग यू वांट. सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर कि भाई यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, बस शुरू कर दो. शुरू करने के बाद आपके पास बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी रिसोर्सेज आ जाएंगे एंड यू विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस. ऑलराइट वैभव, सो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली आपसे आज एंड इट वाज अ वेरी गुड पॉडकास्ट. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था फॉर दोज हु आर परस्यूइंग बीसीए और बीएससी और एमसीए फॉर दैट मैटर. राइट, अब यार जाते जाते देयर इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, सो आई होप आप परफ्यूम्स वगैरह लगाते होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर एंड या सी यू अगेन. थैंक यू.